वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2005 में आई मूवी द पेसिफायर को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक बेहतरीन फैमिली मूवी है और इसके लीड रोल में है विन डीजल। मूवी की शुरुआत में हमें बीच का एरिया दिखाया जाता है, जहां यूएस नेवी सील की एक टीम अपने नेक्स्ट मिशन के लिए इकट्ठा हो रही है। इसी टीम में लेफ्टिनेंट शेन वुल्फ नाम का एक आदमी भी मौजूद है, जो कि हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर है, और तो और शेन इस टीम का लीडर भी है। इसके बाद शेन अपनी टीम को एक फोटो दिखाकर बोलता है कि हमारा मिशन ऑब्जेक्टिव ये आदमी है, जिसका नाम प्रोफेसर हार्वर्ड प्लमर है, जिसे सर्बियन रेबल्स के एक ग्रुप ने किडनैप कर लिया है। हमें प्रोफेसर को रेबल्स से बचाकर निकालना है, और वैसे रेबल्स इस समय एक बोट पे मौजूद हैं, और तो और वो लोग हैवीली आर्म्ड भी हैं, तो हमें ये मिशन काफी सावधानी से करना होगा। इसके बाद हमें एक बोट दिखाई जाती है, जिसे चार जेट स्कीज और एक हेलीकॉप्टर प्रोटेक्ट करते हुए कहीं ले जा रहे थे। ये बोट सर्बियन रेबल्स की है, जिस पर इस वक्त प्रोफेसर हार्वर्ड मौजूद हैं। मगर बोट पे मौजूद रेबल्स को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि कुछ नेवी सील्स मेंबर पानी में होकर उनकी तरफ बढ़ रहे। इसके बाद शेन बोट की तरफ एक अजीब सा डिवाइस लॉन्च करता है, जिसकी वजह से बोट के सभी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट फ्राई हो जाते हैं और बोट इवन बंद भी पड़ जाती है। इसके बाद शेन बोट पर कुछ सर्कुलर शेप्ड बॉम्ब फेंकता है, जिससे बोट पर खूब तबाही मचती है, और इसी तरह शेन हेलीकॉप्टर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद शेन एक जेट स्की लेकर यहाँ से निकल जाता है, ताकि वो बाकी जेट स्की वाले गुंडों को अट्रैक्ट कर सके। शेन अपनी स्की से बाकी गुंडों को ठिकाने लगा देता है, और फिर वो प्रोफेसर हार्वर्ड वाले रूम जाकर उसे आजाद करा लेता है। इसके बाद ये लोग हेलीकॉप्टर से यहाँ से निकलने लगते हैं, मगर जब शेन हेलीकॉप्टर पायलट को चेक करता है, तो वो देखता है कि पायलट तो पहले से मर चुका है, तो वो जल्दी से प्रोफेसर के डायरेक्शन में जाने लगता है, मगर उसे रास्ते में ठोक दिया जाता है। इसके बाद हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां एक मिलिट्री हॉस्पिटल में शेन का ट्रीटमेंट चल रहा है। शेन का सुपीरियर उसे इन्फॉर्म करता है कि अब तुम पूरी तरह से ठीक हो, वैसे तुम्हें प्रोफेसर हार्वर्ड की डेथ की रिस्पांसिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है। ऑफिसर कंटिन्यू करता है कि प्रोफेसर हार्वर्ड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के बेस्ट सिक्योरिटी एक्सपर्ट थे, और वो हाल ही में घोस्ट नाम के प्रोग्राम पे काम कर रहे थे। घोस्ट प्रोग्राम बहुत काम का है, अगर एनिमी कंट्री हम पर न्यूक्लियर बॉम्ब लॉन्च करे, तो हम घोस्ट प्रोग्राम से उन्हें अपनी टेरिटरी से बाहर ही डिसार्म कर सकते हैं, और इस वजह से सर्बियन रेबल्स ने प्रोफेसर को किडनैप किया था। मगर इस समय हमारे पास 2 बैड न्यूज हैं। फर्स्ट ये कि प्रोफेसर मारे जा चुके हैं, और सेकंड ये कि प्रोफेसर ने मरने से पहले घोस्ट प्रोग्राम को कहीं छुपा दिया है, और हमें उस प्रोग्राम की सख्त जरूरत है। और यकीन मानो, बैड गाइज प्रोग्राम को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इवन वो लोग प्रोफेसर की फैमिली को हर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि शायद प्रोफेसर ने घोस्ट प्रोग्राम को अपनी फैमिली को दे दिया होगा, तो वो लोग नेक्स्ट टारगेट बन सकते हैं। इसके बाद शेन को न्यू ऑर्डर मिलते हैं कि 2 दिन पहले प्रोफेसर हार्वर्ड की विडो मिसेस प्लमर ने एडमिरल ब्लेयर को कॉन्टेक्ट किया था, जिसके हिसाब से ज्यूरिक में प्रोफेसर हार्वर्ड का एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स है, और हमें मिसेस प्लमर को ज्यूरिक एस्कॉर्ट करके ले जाना होगा और सेफ्टी बॉक्स का कंटेंट निकाल कर लाना होगा। मगर इस दौरान मिसेस प्लमर के बच्चे घर पे अकेले रह जाएंगे, तो शेन तुम्हें मिसेस प्लमर के घर जाकर उनके बच्चों को प्रोटेक्ट करना है, और वहाँ जाकर तुम्हें घर की अच्छे से तलाशी लेनी होगी, क्योंकि शायद घुस प्रोग्राम घर में ही कहीं हिडन है। इसके बाद शेन मिसेस प्लमर के घर पहुंच जाता है, जहां पर मिसेस प्लमर उसका अच्छे से स्वागत करती है। इसके बाद ये लेडी अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करने लगती है, जिनका नाम है जो, सैथ, लुलू और पीटर। लेडी अपने बच्चों को बताती है कि जब मैं ज्यूरिख जाऊंगी, तब लेफ्टिनेंट शेन वुल्फ तुम लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। मगर ये सब देखकर शेन वुल्फ काफी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि रिपोर्ट के हिसाब से मिसेस प्लमर के तो 5 बच्चे हैं, तो घर की नैनी एक छोटे बेबी को ले आती है, जिसका नाम टाइलर है, जिसे देखकर शेन काफी घबरा जाता है, क्योंकि उसे अंदाजा है कि वो इन बच्चों का बेबी सिटर बनने वाला है, और एक बेबी की केयर करने में अच्छे अच्छों की बैंड बज जाती है। इसके बाद मिसेस प्लमर शेन को बताती है कि कुछ दिन पहले हमारे घर में कोई चोरी छुपे आया था, जिसने घर की तलाशी ली थी, प्रोबेबली वो कोई बैड गाय था, मगर तभी एक डक शेन पे हमला कर देती है, तो मिसेस प्लमर बताती है कि इसका नाम ग्रे है, जो हार्वर्ड की फेवरेट पेट बर्ड है। इसके बाद शेन घर के सिक्योरिटी सिस्टम को अपग्रेड करने लगता है, और वो हर जगह पे सीसीटीवी और बग्स प्लांट कर देता है, ताकि वो पूरे घर पे नजर रख सके। नेक्स्ट डे मिसेस प्लमर रेडी होकर ज्यूरिख जाने लगती है, तो वो बच्चों से बोलती है कि जब तक मैं लौट कर न आ जाऊं, तब तक तुम लोग मिस्टर शेन वुल्फ की सभी बातें मानोगे और मिस्टर शेन को बिल्कुल भी परेशान नहीं करोगे। तो बच्चे ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो बहुत अच्छे बच्चे हों। मगर मिसेस प्लमर के जाते ही बच्चे मटरगस्ती करने लगते हैं, मगर तभी शेन को सिक्योरिटी अलार्म सुनाई देता है, तो वो जल्दी से चेक करने चला जाता है, तो उसे पता चलता है कि एक लड़का घर में चोरी छुपे घुसने की कोशिश कर रहा है, तो शेन उस लड़के को कैप्चर कर लेता है
तो जो बाहर आकर बोलती है कि उसे जाने दो शेन, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। इसके बाद जो शेन पे हमला कर देती है तो शेन बड़ी आसानी से उसे हैंडल कर लेता है। इसके बाद नेक्स्ट डे चालू हो जाता है और सुबह के 6 बजते ही शेन वुल्फ सीटी बजा बजा कर बच्चों को जगाने लगता है और ऑफ कोर्स बच्चे नींद इंटरप्ट होने से काफी नाखुश है, मगर शेन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सभी लोगों को इकट्ठा करके उनसे बोलता है कि तुम सभी लोग बहुत बदमाश हो जो कोई भी काम ढंग से नहीं करते, तो अब इस घर में वही होगा जो मैं कहूंगा। और फिर शेन सभी पर ट्रैकिंग डिवाइसेस लगा देता है जिस पर पैनिक बटन भी मौजूद था, जिसे दबाते ही शेन को उनकी लोकेशन का पता चल जाएगा। मगर जल्द ही शेन को एहसास हो जाता है कि सेद मीटिंग से गायब हो चुका है, तो शेन जल्दी से सेद के रूम तक पहुंच जाता है और जब सेद डोर ओपन नहीं करता है तो शेन डोर को तोड़ देता है। मगर सेद तो रूम के बजाय वॉशरूम से निकलकर आता है और वो अपने रूम के डोर की हालत देखकर शेन पे काफी भड़कता है, मगर शेन को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद जो और सेद मिलकर शेन को ठिकाने लगाने का प्लान बनाते हैं और फिर ये दोनों स्टेयर्स पे खूब सारा ऑयल डालते हैं ताकि वो शेन को गिराकर उसे सबक सिखा सके। मगर इस डर्टी ट्रैप में शेन की बजाय घर की नैनी हेलगा फंस जाती है, जो ऑयल से फिसलकर फुल स्पीड में सीढ़ियों से नीचे जाकर गिरती है। वहीं दूसरी तरफ ज्यूरिख में मिसेस प्लम्बर और नेवी की टीम उस बैंक तक पहुंच जाती है जिसमें प्रोफेसर हार्वर्ड का सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स था। तो बैंक मैनेजर इनसे बोलता है कि हमने आप लोगों का बैकग्राउंड चेक किया है और अब आप सेफ्टी बॉक्स खोल सकते हैं, मगर उसे ओपन करने के लिए एक पासवर्ड चाहिए होगा। मगर मिसेस प्लम्बर के पास तो कोई भी पासवर्ड नहीं था, तो बैंक मैनेजर उन्हें सेफ्टी बॉक्स नहीं देता। वहीं हेलगा मिसेस प्लम्बर की बच्चों की हरकतों से काफी तंग आ चुकी थी, तो वो घर और अपनी जॉब को छोड़कर यहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाती है। तो शेन उससे कहता है कि मिसेस हेलगा शांत होकर ठंडे दिमाग से सोचिए, गुस्से में कोई भी डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। मगर हेलगा ने तो यहाँ से जाने का प्लान बना लिया था। इसी समय फोन पर मिसेस प्लम्बर का कॉल आता है जिसे शेन पिक करने चला जाता है और इस बात का फायदा उठाकर हेलगा भागने की कोशिश करती है, मगर शेन भी एक फौजी है तो वो हेलगा को जल्दी पकड़ लेता है। मगर फोन पर मिसेस प्लम्बर बताती है कि मुझे यहाँ ज्यूरिख में 2-4 दिन और लग जाएंगे, और जैसे ही हेलगा को ये सुनाई देता है कि मिसेस प्लम्बर को आने में 2-4 दिन और लगेंगे, तो वो और जोर से फड़फड़ाने लगती है मानो कि उस पर कोई डीमन आ गया हो। और फिर वो शेन को काट कर मौका पाते ही यहाँ से भाग जाती है और अब बेचारे शेन को इन डीमन बच्चों का ख्याल रखना होगा, वो भी अकेले। और ये सब सीन मिसेस प्लम्बर के नेबर जिनका नाम मिस्टर एंड मिसेस चन है वो भी देख रहे थे, तो वो सिचुएशन को मिस इंटरप्रेट करके शेन से बोलते हैं कि नैनी हेलगा अगर तुमसे प्यार करती है तो वो लौट कर जरूर आएगी, तुम टेंशन मत लो। इसके बाद शेन बच्चों को गुड न्यूज देता है कि तुम्हारी मॉम कुछ दिन और बाहर रहने वाली हैं। तो बच्चे एक एक करके शेन को अपनी प्रॉब्लम्स बताने लगते हैं, मगर शेन की असली शामत तो टायलर नाम का वो छोटा बेबी लेता है जो हर 2 मिनट में अपनी टंकी खाली करता है, जिस वजह से बेचारे शेन को दिन में कई बार उसके कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। नेक्स्ट डे शेन बच्चों के लिए बाहर से नाश्ता मंगा लेता है, मगर पीटर को न जाने क्या सोचती है वो टेबल का सारा सामान नीचे गिरा देता है। मगर तभी घर पे बच्चों के स्कूल से कॉल आता है जिस पर स्कूल का वाइस प्रिंसिपल बोलता है कि सेत और जो अगर आज भी स्कूल नहीं आए तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये फैमिली जल्दी से रेडी होकर स्कूल जाने लगती है, मगर गाइस जो स्कूल जा रही है या कोई फैशन शो इसका पता नहीं। इसके बाद शेन बच्चों को लेकर स्कूल पहुंच जाता है जहां वाइस प्रिंसिपल शेन को देखकर काफी इंप्रेस्ड है। इसके बाद वाइस प्रिंसिपल ड्वेन शेन को बताने लगता है कि पिछले महीने में जो और सेत ने अपनी सभी क्लासेस मिस की हैं और मैंने इतने बदमाश बच्चे आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखे हैं। इसके बाद स्कूल प्रिंसिपल क्लेयर यहाँ आकर बच्चों और वाइस प्रिंसिपल को दफा कर देती है और शेन से बोलती है कि मुझे तुम्हारे बारे में पता है, मुझे मिसेस प्लम्बर ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। इसके बाद इन दोनों में जल्द ही दोस्ती हो जाती है क्योंकि क्लेयर भी पहले नेवी में सर्व कर चुकी है। और फिर क्लेयर शेन को स्कूल में रहकर बच्चों को प्रोटेक्ट करने की परमिशन दे देती है। इसके बाद शेन बच्चों के साथ झूला झूलते हुए बाकी बच्चों पे नजर रखता है। शेन देखता है कि जो एक चीयर गर्ल है और वो अपनी प्रैक्टिस कर रही है और लुलु अपनी क्लास में बोर हो रही है और सेत को कुछ लड़के बुली कर रहे हैं, तो ये सब देखकर शेन सेत को बचाने चला जाता है। असल में ये बुलिंग स्कूल का वाइस प्रिंसिपल ड्वेन इंटेंशनली करवा रहा था क्योंकि उसे सेत को टॉर्चर करने में बड़ा मजा आता है। वो शेन को ये तक कह देता है कि इन प्रॉब्लम्स को बच्चों को ही सॉल्व करने दो क्योंकि इससे बच्चों की विल पावर स्ट्रांग होती है। और ड्वेन के जाते ही सेत उल्टा शेन पे ही भड़क जाता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। इसके बाद
टायलर हल्ला काटने लगता है जिससे शेन काफी परेशान है। तो स्कूल प्रिंसिपल क्लेयर उसकी हेल्प करने आ जाती है, मगर तभी शेन की डिवाइस पर इमरजेंसी सिग्नल आने लगते हैं। तो वो टायलर को क्लेयर के हवाले करके सिग्नल की डायरेक्शन में जाने लगता है, जो कि एक अंडरग्राउंड सीवेज में शो हो रहे थे। मगर बच्चों की जान के खातिर वो नाले में जंप लगा देता है। तब जाकर उसे पता चलता है कि बच्चों ने अपने ट्रैकर नाले में फेंक दिए हैं। तो शेन फुल गुस्से में घर लौट आता है, मगर घर पर क्लेयर मौजूद थी। तो शेन बच्चों से कुछ भी नहीं कहता और फिर बेचारे शेन को रगड़ रगड़ के नहाना पड़ता है। बेचारे से गंदगी तो हट जाती है, मगर नाले की महक अभी भी बरकरार थी। नेक्स्ट डे लुलु को कुछ लड़के बुली करते हैं, तो वो अपने ट्रैकिंग डिवाइस पर पैनिक बटन दबा देती है, जिसके सिग्नल शेन को मिल जाते हैं। तो वो जल्दी से लुलु के पास पहुंच जाता है। तो लुलु रोते हुए बताती है कि कुछ लड़कों ने हमें बुली किया है। तो शेन उसे प्रॉमिस करता है कि अब वो उसे अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा। शाम को जब शेन घर लौट के आता है तो वो देखता है कि जो ने अपने खूब सारे फ्रेंड्स को घर बुलाकर घर पे पार्टी दे रखी है। तो शेन अंदर जाकर पार्टी को रुकवा देता है और उसे देखते ही बच्चे बाहर भागने लगते हैं। मगर शेन भी हीरो आदमी है, वो इन बच्चों को कैप्चर करके फोर्सफुली घर की साफ सफाई करवाता है। और तो और वो चेक करता है कि कोई काम चोरी तो नहीं कर रहा है। और इस साफ सफाई में शेन को एक डिस्क मिल जाती है जिस पर घोष लिखा हुआ था। तो शेन इस डिस्क को छुपा लेता है, इस बात से बेखबर कि दो सस्पिशियस पर्सन उसकी एक्टिविटीज पर नजर रख रहे हैं। और तो और उन्होंने डिस्क पर होश लिखा हुआ भी देख लिया है। इसके बाद जो शेन पे खूब भड़कती है कि तुमने मेरे फ्रेंड्स के सामने मेरी बेइज्जती की है और मैं तुमसे नफरत करती हूँ, जो शेन से कहती है कि तुम इस घर से निकल जाओ। तो शेन भी कहता है कि खुशी से, मगर तुम्हारी मॉम के आ जाने के बाद। मगर तभी दो सस्पिशियस पर्सन विंडो तोड़कर अंदर आ जाते हैं और ये लोग तो निंजा हैं। तो इन्हें देखकर शेन बच्चों को रूम से निकल जाने के लिए कहता है और फिर निंजास और शेन के बीच में तगड़ी फाइट चालू हो जाती है। मगर शेन जल्द ही इन निंजास को ढंग से कूट देता है। तो निंजास मौका पाते ही घर से भाग जाते हैं। इसके बाद शेन बच्चों की सिचुएशन चेक करने जाता है, तो वो देखता है कि बच्चे बहुत डरे हुए हैं। तो वो बच्चों को तसल्ली देता है और उन्हें बताता है कि डरो मत, मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। तो बच्चे फाइनली शेन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसे कहते हैं कि हम लोग तुम्हारी सारी बातें मानेंगे, तुम बस हमें छोड़कर मत जाना। इसके बाद शेन बच्चों के साथ घोस्ट वाली वीडियो चेक करता है, मगर उसमें तो काफी बकवास मूवी थी। नेक्स्ट डे शेन और बच्चों को प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया जाता है, जहां ड्वेन शेन को बताता है कि सेठ ने अपने बाल डाई करवा लिए हैं। और तो और उसके लॉकर से एक नाजी आर्मबैंड मिला है। तो क्लेयर शेन से बोलती है कि तुम सेठ से बात करके देखो, शायद वो तुम्हारी बात मान जाए। तो घर जाकर शेन सेठ से पूछता है कि तुमने स्कूल रेसलिंग क्लास ज्वाइन की थी, मगर तुम क्लास जाते क्यों नहीं हो। तो सेठ भड़कते हुए बोलता है कि मुझे रेसलिंग क्लास मेरे फादर भेजते थे जो अब मर चुके हैं, तो मुझे अब रेसलिंग क्लास जाने की कोई जरूरत नहीं है। और ये बोलकर सेठ यहाँ से निकल जाता है, मगर शेन उसका पीछा करता है। तो उसे पता चलता है कि सेठ तो लोकल थिएटर गया है और वहाँ पर वो अपनी परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस कर रहा है, मगर डायरेक्टर इन लोगों के एक्टिंग से काफी नाखुश है। तो वो यहाँ से उठकर चला जाता है। तो शेन सेठ के पास पहुंचकर उसे बोलता है कि अगर तुम परफॉर्म करना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और फिर शेन सेठ को इंकरेज करने लगता है। तो ये सब देखकर सेठ काफी खुश हो जाता है। इसके बाद घर जाकर शेन लुलु को बेड टाइम स्टोरीज भी सुनाता है और ऐसा करते करते शेन बच्चों के काफी क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट डे क्लेयर शेन से बोलती है कि आजकल प्लमर्स फैमिली के बच्चों में काफी सुधार आ रहा है। तो शेन कहता है कि प्लमर्स के बच्चे काफी अच्छे हैं, बस अपने पिता के गुजर जाने के बाद वो काफी ट्रॉमा में है। तो क्लेयर स्माइल करके यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद सेठ शेन से मोटिवेट होकर ड्वेन को करारा जवाब देता है ताकि वो सेठ को बुली करना बंद कर दे। मगर जब ड्वेन सेठ को पीटना चाहता है तो शेन ड्वेन को रेसलिंग मैच के लिए चैलेंज करता है। आखिर ड्वेन स्कूल का रेसलिंग कोच है, मगर शेन बड़ी आसानी से ड्वेन को पीट देता है और फिर वो ड्वेन को पीटते हुए बच्चों को रेसलिंग के दांव पेंच सिखाता है। वैसे ड्वेन को पीटता हुआ देखकर स्कूल के बच्चे काफी खुश हैं। इसके बाद शेन लुलु और उसके फ्रेंड्स को भी ट्रेनिंग देता है और जब उनके स्कूल बॉयज उन्हें बुली करने आते हैं तो ये गर्ल्स शेन की दी हुई ट्रेनिंग का यूज करके इन लड़कों को पीट देती हैं। वहीं ज्यूरिख में मिसेस प्लमर को सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स का पासवर्ड याद आ जाता है, जो कि माई एंजल था और ये पासवर्ड उसकी रिंग पे लिखा हुआ था। और फिर सही पासवर्ड मिलने के बाद बैंक मैनेजर मिसेस प्लमर और ऑफिसर बिल को अंदर ले जाता है और फिर मिसेस प्लमर को डिपॉजिट बॉक्स के अंदर एक की मिल जाती है। वहीं शेन को जो अकेली और उदास बैठी हुई दिखती है तो वो उसके पास जाकर पूछता है कि क्या हुआ। तो जो बताती है कि वो अपने फादर को काफी मिस कर रही है। तो शेन उसे तसल्ली देने के लिए अपने बचपन की स्टोरी सुनाता है। इसके बाद शेन उसे बताता है कि तुम्हारी मॉम जल्द ही घर लौटने वाली है। तो ये सुनकर जो काफी खुश हो जाती है। इसके बाद सभी बच्चे मिलकर अपनी मॉम के लिए वेलकम पार्टी रखने का डिसाइड करते हैं। तो बच्चों को इतना चीयरफुल देखकर शेन भी काफी खुश है। इसके बाद गैरी के साथ खेलते खेलते शेन को एक हिडन वॉल्ट मिल जाती है।
तो वो जल्दी से अपने सुपीरियर बिल को कॉल करके बताता है कि शायद मुझे घोष प्रोग्राम मिल गया है जो कि प्लमर्स फैमिली के घर के अंडरग्राउंड बनी वॉल्ट में मौजूद है, मगर उसे खोलने के लिए एक की जरूरत है। तो बिल समझ जाता है कि आज जो की मिसेस प्लमर को मिली है उसी से घोष्ट वाली वॉल्ट को खोला जा सकता है, मगर सरप्राइजिंगली वो ये बात मिसेस प्लमर को बताता नहीं है। वही शेन बच्चों को बताता है कि उसका काम अब खत्म होने वाला है, मगर बच्चे ये बात सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि अब उन्हें शेन से काफी लगाव हो गया है। नेक्स्ट डे मिसेस प्लमर और बिल ज्यूरिख से घर लौट आते हैं जहां उसका अच्छे से स्वागत होता है। तो ये देखकर मिसेस प्लमर काफी खुश है कि उसके शैतान बच्चे इतने अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। इसके बाद बिल और शेन घर के गैराज में जाकर वॉल्ट को खोलना चाहते हैं, मगर यहाँ पर वो निंजाज आ जाते हैं जो कि असल में प्लमर्स के नेबर मिस्टर एंड मिसेस चंद थे, जो यहाँ आकर इनसे वॉल्ट की मांगने लगते हैं, मगर शेन बड़ी आसानी से दोनों निंजाज को डिसार्म कर देता है। मगर शेन का सुपीरियर बिल शेन पे हमला करके उसे नॉकआउट कर देता है। तो गाइज अब हमें पता चल गया है कि बिल एक डबल एजेंट है जो मिस्टर एंड मिसेस चंद के साथ कोरिया के लिए काम करता है। इसके बाद बिल प्लमर्स बच्चों को भांप दे पाए और वो मिसेस प्लमर और मिसेस चंद को अपने साथ लेकर अंडरग्राउंड वॉल्ट के पास चला जाता है, जहां वो चाबी लगाकर वॉल्ट को खोल ले पाए। वहीं लुलु टायलर को आंखें दिखाकर डरा रही थी, तो टायलर अपने फुल वॉल्यूम में रोना स्टार्ट कर देता है जिससे मिस्टर चंद डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो बच्चे इसका फायदा उठाकर खुद को आजाद करा लेते हैं और फिर वो लोग मिस्टर चंद को नॉकआउट कर देते हैं। इसके बाद बच्चे गैराज जाकर शेन को जगा देते हैं, तो शेन बच्चों से यहाँ से दूर जाने के लिए कहता है, तो बच्चे कार लेकर यहाँ से निकल जाते हैं, मगर जो कार को कुछ ज्यादा ही तेजी से चला रहा था तो इनके पीछे पुलिस पड़ जाती है और ये सब सीन क्लेयर भी देख लेती है। वही शेन भी वॉल्ट तक पहुँच जाता है, मगर बिल उसे गन पॉइंट पे ले लेता है और शेन को फोर्स करता है कि वो वॉल्ट के अंदर का सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ कर दे, मगर दो तीन ट्रायल में शेन समझ जाता है कि सिक्योरिटी पासवर्ड असल में एक तरह का गाना है जो कि प्रोफेसर हार्वर्ड अपने बच्चों को सुनाया करते थे। इसके बाद बिल और बाकी लोग भी शेन की तरफ जाने लगते हैं, मगर शेन मौका मिलते ही बिल पे हमला करके उसे टर्न कर देता है और मिसेस चंद को मिसेस प्लमर टर्न कर देती है। इसके बाद वॉल्ट खोलने पर उन्हें एक मेमोरी डिवाइस मिलता है और अब तक बच्चे भी घर तक लौट आए थे जिनका ऑब्वियसली पुलिस पीछा कर रही थी। तो ये पुलिस वाले इन लोगों पे गन तान देते हैं, मगर उनके पीछे से मिस्टर चंद आ जाता है जो पुलिस वालों पे गन तान कर उनकी गन्स ड्रॉप करवा लेता है और वो शेन से कहता है कि घोष्ट वाली ड्राइव मुझे लाकर दे दो। तो शेन घोष्ट वाली ड्राइव को गैरी के पास रखकर बोलता है कि गैरी जाओ इसे मजा चखा दो। तो गैरी मिस्टर चंद पे हमला कर देता है और उसके सामान चबा जाता है और इसी समय क्लेयर भी यहाँ आकर मिस्टर चंद पे हमला कर देती है और वो चंद की अच्छे से मार लगाती है। असल में क्लेयर बच्चों को इतना तेजी से कार चलाता हुआ देखकर काफी घबरा गई थी, तो वो बच्चों की सिचुएशन चेक करने चली आई। इसके बाद सभी बैड गाइस को पकड़ लिया जाता है और फिर प्लमर्स फैमिली उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए शेन को थैंक्स बोलती है। इसके बाद प्रिंसिपल क्लेयर जो कि शेन को पसंद करने लगी है वो शेन को पपी देकर यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हमें सेठ का परफॉर्मेंस दिखाया जाता है जहाँ शेन क्लेयर को बताता है कि उसने नेवी से रिटायरमेंट ले ली है। तो क्लेयर शेन को स्कूल के रेसलिंग कोच का जॉब ऑफर करती है जिसे शेन खुशी से एक्सेप्ट कर लेता है और फिर ये दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं और इसी सीन के साथ ये प्यारी सी मूवी एंड होती है। तो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।